जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो हम दोनों भोपाल मध्य प्रदेश से बिना पैसों के 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं और घर से निकले हुए आज हमें 178 डेज हो चुके हैं। बोंटी मिट्टा गांव से 6 किलोमीटर आगे एक हनुमान जी का मंदिर है मेन हाईवे पर। यहां पर हमने कल रात्रि का विश्राम किया था, आपको वो ब्लॉग में भी बताया गया है। तो यहां पर हमने विश्राम किया था, इधर टेंट वगैरह हमने इकट्ठा कर लिया है और अब हम यात्रा पर वापस से आगे बढ़ेंगे। और अभी समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं, 7 बजे हम यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कहां पर पहुंचेंगे और कहां आज दोपहर में रखेंगे और वहां खाना मना क्या प्रोग्राम रहेगा आगे का। बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बताएंगे आगे। तो भाई आपा बढ़ गए हैं तिरुपति का लिए, पंजाबी बोल दी हमने आज तो थोड़ी सी। अपन बढ़ गए हैं, अपन ने, अरे आपा। तो अभी पहुंचते हैं आगे, क्या होता है। तो भाई साहब अभी बिट्टू भैया ने चाय पिए और भैया ने पिलाई। भैया मैं पेरू तेजा भैया है और ये उनका होटल है, यहीं पर उन्होंने चाय पिलाई है बिट्टू भैया को। जय बिट्टू भैया। और अभी भैया से बिता रहेगा भाई। अभी हम आ चुके हैं मंदिर पर, ये रहा हमारे पीछे मंदिर, और अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। समय लगभग 12 बज गई है, तो बढ़ते हैं अभी मंदिर के दर्शन के लिए। और अभी सुबह से हमने समझ लो 14 किलोमीटर चल लिए हैं। तो अभी तो मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर बताते हैं जो भी। मंदिर का गेट, अभी एंटर होंगे हम। भाई आ गए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं मंदिर के पीछे का। यहाँ पर हम चक्कर लगा रहे हैं मंदिर के, ये वाला एरिया है, इसमें धूप नहीं आ सकती, मतलब ऊपर से खुला हुआ नहीं है, इसलिए ये है मंदिर पूरा पीछे से। कुछ रखे हुए हैं बनाने के लिए और पूरा मंदिर ये है। तो भाई फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, हमारे पीछे है, और दर्शन करके आ चुके हैं हम। और अब हम बढ़ेंगे साईं मंदिर की ओर, क्योंकि साईं मंदिर पहुंचना है हमको, उधर जाके आराम करेंगे। इधर तो कोई फिक्स वो नहीं है और ना ही पावर बैंक वगैरह भी चार्ज है, तो वहाँ पहुँचते हैं फिर बताते हैं। मंदिर विजिट करके अब हम निकल गए दोस्तों, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं फिर बताते हैं आपको। A few minutes later. भाई अभी दोपहर में हम यहाँ पर रुके थे, ये भैया की दुकान है और यहीं पर बिट्टू भैया सोए थे उस मंदिर पर। मंदिर का नाम नहीं मालूम है किस चीज़ का मंदिर है, मेरे को लग रहा है मैया जी का मंदिर है वैसे तो, वो साईं जी का मंदिर है। और भैया मिले हमको, भैया ने हमें फालूदा पिलवाया है, फालूदा नहीं सॉरी बादाम शेक। और भैया का नाम सोहेल है और भैया राजस्थान से हैं। भैया से हमने 2-3 घंटे बात करी है बस, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बस विदा लेंगे भैया से, सोहेल भैया से, ठीक है भैया। A few minutes later. तो दोस्तों सोहेल भैया से विदा लेकर हम आ गए हैं अभी राजमपेटा में। यहाँ पर हमें तकरीबन हम 6-7 किलोमीटर आगे आ गए हैं और राजमपेटा के आउट में है, मतलब जो सिटी खत्म होने वाली है यहाँ पर है। 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर आ गए हम सोहेल भैया के पास से। सुबह से अभी तक हम 24 किलोमीटर चल चुके हैं, सॉरी 27 किलोमीटर हम चल चुके हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी। और अभी से कभी मंदिर देखने गया था उधर की दिख रहा है क्या, क्योंकि मंदिर का गेट दिख रहा है आपको, दिखाते हैं हम, ये गेट टाइप में कुछ दिख रहा है। तो देखकर आए हमने वहाँ पर, तो पता चला मंदिर नहीं है। आगे चलते हैं, आगे 1 किलोमीटर आगे एक नरसिम्हा टेम्पल है, पहाड़ी पर है, और थोड़ी सी आगे 500 मीटर पर एक अयप्पा स्वामी का टेम्पल है, फिर 2.5 किलोमीटर आगे एक शिवालय है। तो देखते हैं कहाँ पर आज अभी विश्राम होगा, हम पहुँचते हैं उधर फिर आपको बताएंगे आगे का। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों वहाँ से आगे बढ़ के अभी हम आ चुके हैं राजमपेटा से 600 मीटर दूर, और यहाँ पर हमने कैंप लगाया है, और कैंप नहीं है मतलब ये मच्छरदानी है, साइड में ही मंदिर है, मंदिर के अंदर सोने से मना कर दिया हमें, तो हम इधर ही कैंप लगा के अब सो रहे हैं। तो अब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छी सुबह के साथ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।